TU-95 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जल्द ही एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। 8 सितंबर को हुई सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में इस एयरक्राफ्ट को खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। भारत जल्द ही स्पेन में SA-56 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इसमें से 40 की मैन्युफैक्चरिंग देश में कराए जाने का प्लान है। हम आपको इस वीडियो में TU-95 एयरक्राफ्ट की खासियत बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये एयरक्राफ्ट चीन और पाकिस्तान में मौजूद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कितना अलग है। इसकी खासियत की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कम दूरी में टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए ये बेहद खास है। ये एयरक्राफ्ट 7000 किलो तक पेलोड उठा सकता है। इसके पीछे मौजूदा रैंप डोर के जरिए तेजी से लोडिंग अनलोडिंग का काम हो सकता है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस है। भारतीय वायुसेना के लिए अब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदना जरूरी हो गया है। भारत के पास अभी 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत ने साल 1960 में खरीदा था। इन्हें तत्काल बदलने की जरूरत है और जब पाकिस्तान और चीन जैसा देश आपका पड़ोसी हो तो अपडेट होने की जरूरत और बढ़ जाती है। पाकिस्तान की वायुसेना के पास फिलहाल 6 तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से लॉकहीड C-130 और गल्फ स्ट्रीम के वेरिएंट भी हैं। वहीं चीन के पास 200 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इनमें आधुनिक तकनीक से लैस Y-20 भी शामिल है। इस नए C-295 एयरक्राफ्ट से भारत को कई तरह के फायदे होंगे। इसे समुद्री रास्तों में तैनात AN-32 से रिप्लेस किया जाएगा, जिससे समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। देश में ही मैन्युफैक्चरिंग से एरोस्पेस कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही एरोस्पेस सेक्टर में आयात पर निर्भरता कम होगी। देश में मैन्युफैक्चरिंग से 600 हाई स्किल्ड और 3000 मीडियम स्किल्ड रोजगार मिलेंगे। भारत के पास अभी 8 प्रकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से एवरो को रिप्लेस करने भारत नया C-295 एयरक्राफ्ट ला रहा है, जिससे आने वाले वक्त में भारत को कई फायदे होंगे। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले और